खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां शराब में हुआ आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर यादव परिवार में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर चचेरे भाई ने भाइयों पर गोलियां दाग दी। घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं दूसरे घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला बमीठा थाना क्षेत्र के कुटिया गाँव का है। काफी समय से विवाद था, पुलिस जाँच में जुटी है। ये ग्राम कुटिया जो बमीठा अंतर्गत है, ये सुबह लगभग 10:30 के आसपास की बात है, जिसमें पुरानी रंजिश को लेके दो परिवार में विवाद हुआ और गोली चली है, जिसमें दो लोग को गोली लगी है, मतलब गन शॉट इंजरी है। एक को है गिरधारी यादव, जिसको अंगूठे में लगी हुई है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है और कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। और दूसरा जो संतोष यादव, उसको कान के पीछे साइड लगी है, बैक साइड लगी है, तो उसको रेफर कर दिया गया झांसी। और प्राइमरी फेसी जो भी नाम आ रहा है, वो अजय यादव का नाम आ रहा है, तो इसमें हमारी टीम गई हुई है और वहीं इस पे देहाती नाल से लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। ये 8-9 बजे की घटना है, 8-9 बजे के लगभग जी, मकान पे, संतोष यादव के मकान पे आया वो, उसने गोली मार दी, उसने जाके दो फैल करे, तो एक दूसरा घायल अस्पताल में सरकारी में है भर्ती, जी चला गया ग्वालियर, गिरधारी अभी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। गोली मारी है अजय यादव ने, पप्पू यादव के बाप को नाम, बजाय तो नहीं है जानकारी हमें, लेकिन अचानक कैसे घटना हुई हम नहीं जान सकते।